Hello everyone, I will teach you subject maths. We will start chapter 9, time and calendar. Second time आपको समझाया जा रहा है, जो मैंने आपको बताना है कि हमारी टू हैंड होते हैं, एक लेफ्ट जो हमारी एक शॉर्ट होती है और एक होती है लॉन्ग. टू हैंड होते हैं, लॉन्ग हैंड और शॉर्ट हैंड. तो जो हमारा शॉर्ट हैंड होता है वो क्या होता है, हमारा हावर्स का, और जो हमारा लॉन्ग होता है वो क्या होता है, हमारा मिनट्स का. तो आज हम वॉच कैलेंडर के बारे में बताएंगे. वॉच के बारे में बताएंगे आपको राइट डाउन करके, और कैलेंडर तो आपको पता ही होता है सबको कि हमारा कैलेंडर जो बना होता है उसमें हमारे मंथ के हिसाब से ही डे होते हैं, कि जनवरी में कितने डे होते हैं, फरवरी में कैसे होते हैं, तो ऐसा हमारा होता है. वो आपको कैलेंडर में, आपको जब डेज लिखवाए जाएंगे तो आपका कैलेंडर भी मेंशन हो जाएगा. तो हमारा जो चैप्टर है वो 9 है, टाइम एंड कैलेंडर. चैप्टर है हमारा 9, ठीक है बेटा. जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है, फर्स्ट आपको क्वेश्चन था उसके आपके सम्स ही हैं, जो आपका वॉच बनी हुई है, जैसे 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11. यहाँ आपका एक डॉट दिया गया है जिसमें आपकी क्या दे रखा है बेटा, जो आपका यहां दे रखा है मिडवे डॉट लगाते, जो ये होती है, ये आपकी क्या होती है, एक ये हैंड होता है आपका जो हमारा शोल्डर होता है, और हमारा क्या होता है बेटा, जो हमारा लॉन्ग होता है, ये हमारी क्या होगी, लॉन्ग, और ये हमारी क्या होगी बेटे, शॉर्ट, ठीक है. ये हमारी होगी शॉर्ट और ये हमारी क्या है, लॉन्ग. जो लॉन्ग होती है वो क्या बताती है हमें, क्या बताती है, मिनट, और जो हमारी शॉर्ट होती है वो हमें क्या बताती है, हावर. तो हमारी यहां से कर देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से. ठीक है, आप समझ में आया अच्छे से कि हमारी शॉर्ट जो होती है वो हमें क्या बताती है, हावर, कि कितने घंटे हुए. जैसे 1 पे शॉर्ट है तो 1, अगर ये 12 पे चली जाती है तो हमारा क्या हो गया, 1 o'clock. क्या हो गया हमारा, 1 o'clock. तो आप यहां लिखोगे 1 o'clock, कि हमारा 1 टाइम हो गया, 1 बज गया मतलब. तो क्या आ जाएगा, 1 o'clock. नेक्स्ट हमारी कोई, आप ये राइट डाउन करें फिर आपको आगे बताती हूँ. तो क्या हो गया हमारा, 1 o'clock. राइट डाउन करें आप, ऐसे ही अपनी नोटबुक में वॉच बनाएंगे, नंबर्स मेंशन करेंगे और आप देखेंगे हमारी शॉर्ट कौन सी है और लॉन्ग कौन सी है, हमें क्या क्या बताती है, तो ये आप करेंगे. ओके, राइट डाउन करें बेटा.
आप ऊपर लिख सकते हैं ये लाइन, राइट द टाइम इन द शेप, टाइम इन द स्पेस स्पेस गिवन below these clothes. हाँ जी, हो गया आपका। फिर आपकी एक वॉच और बनी, फिर आपने 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। ठीक है बेटा, जैसा कि आपका दे रखा होता है, ये आपका क्या है 12, ये आपकी क्या है लॉन्ग, ये आपकी क्या है शॉर्ट। ठीक है, हाँ जी, तो अब आप क्या करेंगे, तो आपकी ये क्या दे रखी है, एक क्लॉक दे रखी है, ठीक है, ये आपकी जो क्लॉक है इसमें आपका जो लॉन्ग हैंड है वो आपको क्या बताता है, ये आपको माइंड में रखना होगा कि ये हमारा क्या बताता है, जो हमारा लॉन्ग हैंड है वो हमें क्या बताता है मिंट्स, और ये हमें क्या बताता है, जो शॉर्ट हैंड है वो हमारे क्या बताता है हाउ। तो हम क्या लिखेंगे, 4 o'clock, शॉर्ट हैंड बताना है हमें 4 o'clock, 4 o'clock इसलिए हो गया क्योंकि हमारा 12 पे चला जाता है, तो हमारे पूरे जितने कहते हैं 4, भाई 4 o'clock, 4 बज गए, 3 बज गए, 2 बज गए, जैसे जैसे हमारी कोच पे दिया गया होगा वैसे वैसे ही हम करेंगे। ओके, तो राइट डाउन करें आप, आपने ये नोटबुक में भी करना है और बुक में भी करना है। नेक्स्ट है हमारा, हम एक फिर वॉच बनाएंगे, ठीक है बेटा। फिर हमने क्या बताना है कि हमारा हमारा जो लॉन्ग हैंड है वो जाएगा ऐसे, जो हमारा शॉर्ट हैंड है वो जाएगा ऐसे। तो आप बताइए कि हमारा शॉर्ट हैंड है वो क्या बताता है हाउ, और जो हमारा लॉन्ग है वो क्या बताता है मिंट्स। तो हमें क्या करना है बेटा, तो हमारा क्या है 7 पे हमारा शॉर्ट है, तो 7 o'clock, समझ में आया आपके, तो आप ऐसे ही
अपने बुक में और नोटबुक में राइट डाउन करेंगे। राइट डाउन करें बेटा। तो आपका आपको समझ में आया कि 1 o'clock को तो कैसे करना है, 4 o'clock को तो कैसे करना है, 7 o'clock को तो कैसे करना है, कि जब भी हमारे पास शॉर्ट जो हैंड है वो जिस पर दे रखा हो वही हमारा उतना ही क्लॉक हो जाता है, और हमारी जो लॉन्ग है वो हमारी लॉन्ग हैंड जो है वो हमारा 12 पे ही होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है हमारा Eleven. ठीक है बेटा, जैसा कि हमारे पास दिया हुआ है लॉन्ग, ये हमारी क्या है शॉर्ट, ठीक है। तो हमारी क्या दे रखा है बेटे, जो हमारी लॉन्ग है वो हमारी है 12, जो हमारी शॉर्ट है वो हमारी 9 पे है। तो हम क्या लिखेंगे, 9 o'clock, ठीक है बेटा, क्या आएगा 9 o'clock। राइट डाउन करें। क्योंकि हमारा शॉर्ट हैंड कहाँ है 9 पे, और हमारा लॉन्ग हैंड कहाँ है 12 पे, तो क्या हो गया हमारा 9 o'clock। एक और मैं आपको बता देती हूँ, जैसा कि हमारी एक कोच और बना देती हूँ, फिर हमारा 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, ठीक। फिर हमारा क्या है, यहां पर आ गई हमारी लॉन्ग, यहां पर चलेगी हमारी शॉर्ट, ठीक है बेटा। शॉर्ट हमारी कहां पर आया, शॉर्ट हैंड 8 और लॉन्ग पे क्या 12, 8 o'clock।
ठीक है, तो ये हमारे सम्स हो गए फाइव, जो हमने अपनी नोटबुक में करने हैं और जो आपके बुक में दे रखे हैं आपने वो भी करने। ठीक है बेटा, आपकी जितनी भी शॉर्ट जो हावर वाली है, शॉर्ट हैंड जो दे रखा है वो आपने वहाँ लिखना होता है। लॉन्ग पे हमारा चला जाता है 12 पे, तो हमारा उतने ही लॉन्ग यहाँ हो जाता है। ओके, तो ये हमारे 5 सम्स हो गए जो हमने अपनी बुक में भी करने हैं और नोटबुक में करने हैं। ओके, कंप्लीट योर वर्क।